जो है पाकिस्तान की रोहिंग्या आतंक फैक्ट्री। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी बनाने के लिए जो पाकिस्तान की साजिश है उसका खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, वो किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में ट्रेनिंग दे रखी है। जी हाँ, यहाँ पर कई कैंप्स चल रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो वहां पर इस तरह के कैंप्स चल रहे हैं। और ISI की क्या कोशिश यहाँ पर है, जो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है JMB, उसको वो इस तरह की ट्रेनिंग दे रखी है। इस पर एक खुलासा हुआ है, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए। म्यांमार में पाकिस्तान की रोहिंग्या आतंक फैक्ट्री। हिंदुस्तान के खिलाफ ISI की नई साजिश का खुलासा। जमीन म्यांमार की, साजिश पाकिस्तान की, और निशाने पर हिंदुस्तान। पाकिस्तान म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी बनाने के लिए यहां ट्रेनिंग कैंप्स लगा रहा है, उनमें हिंदुस्तान को लेकर जहर फैला रहा है। दहशतगर्दी की पूरी ट्रेनिंग के बाद इनकी भारत में घुसपैठ की तैयारी है। पाकिस्तान का ये ट्रेनिंग कैंप बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के पास है। म्यांमार के इस जंगली इलाके में रोहिंग्याओं की बड़ी आबादी है। अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन के प्रभाव वाला इलाका है। खुलासे के मुताबिक यहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी रोहिंग्या को आतंकी बनाने की फैक्ट्री चला रही है। ब्रसेल्स के साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश या JMB के जिन 40 रोहिंग्याओं को टेरर ट्रेनिंग देने से पर्दा उठा था, उसके पीछे ISI का सीधा हाथ हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करवाने के लिए ऐसे पैटर्न पर काफी पहले से काम कर रही है। अब उसने म्यांमार में चोरी छिपे आतंक की नई जमीन तैयार की है। भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या रहते हैं। इनमें से ज्यादातर चोरी छिपे देश में घुसे और कई आतंकी गतिविधियों के संदिग्ध हैं। ऐसे में खतरा है कि पाकिस्तान रोहिंग्या आतंकियों की नई खेप की हिंदुस्तान में घुसपैठ करा सकता है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना पहले भी भारत विरोधी आतंकी साजिशों की कमर तोड़ चुकी है। हो सकता है कि ऐसा दोबारा हो, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि म्यांमार में भारतीय सेना ने 2015 में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें LSCNK के 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया था। इन आतंकियों ने इससे कुछ दिन पहले मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद आतंकी म्यांमार में जाकर छिप गए थे। भारतीय सेना ने इसका पूरा हिसाब बराबर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये कैंप चल रहे हैं और क्या है तमाम चीजें। पाकिस्तान के रोहिंग्या आतंकी संगठन से सीधे रिश्ते जो हैं वो इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। बड़ी साजिश के तहत बांग्लादेशी शरणार्थी कैंप्स को बनाया गया है भर्ती सेंटर। अराकान रोहिंग्या आर्मी की बात करें तो इसके लोग रात में शरणार्थी कैंप्स में रहते हैं। जी हाँ, ये दिखते नहीं है, दिन में गायब हो जाते हैं। म्यांमार में ये आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं। अराकान आर्मी, जिसका कमांडर अता उल्ला पाकिस्तान में पैदा हुआ है।